हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो जी, प्रयास हेल्पलाइन। हेलो जी, बोलिए, हम सुन रहे हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं सुसाइड नहीं करना चाहता, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम क्या है आपका? आप प्लीज फोन मत रखिएगा और मेरी बात ध्यान से सुनिए। सुसाइड किसी बात का सोल्यूशन नहीं है और आपने हमें कॉल किया है तो हम आ रहे हैं आपकी मदद करने। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अपने बच्चों की परवरिश और भविष्य के लिए माँ बाप क्या क्या समझौते नहीं करते, लेकिन उनकी बेहतर परवरिश की कोशिश में माँ बाप कभी कभी इतने जज्बाती हो जाते हैं कि उनके अंदरूनी हालत को वो जान नहीं पाते हैं। माँ बाप की उन पर ऊपरी नजर तो रहती है, लेकिन उनके अंदर चल रहे तूफान का उन्हें कुछ पता नहीं होता। और जब ये तूफान अपनी हदें तोड़ देते हैं तो बहुत कुछ बहा ले जाते हैं, बहुत कुछ तबाह कर जाते हैं। आज का ये केस बच्चों की परवरिश के पहलू को उजागर करते हुए ऐसे कई संजीदा सवालों को सामने लाता है। केशव यादव 98.2%। अरे वाह भाई, फिर से टॉप मारा तूने। अब और भाई तुम्हारा? यहाँ चेक करने दे, ये देखिए रहा अभय यादव। क्या हुआ भाई? निकल भागा, निकल भागा। नालायक, तो कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा नालायक बेशरम? नहीं तो कहाँ लगा रहता है, तो फेल होगा ना तू? नहीं भागा। अरे काय मार रहे हो, छोड़ दो उसे, कितना मारेंगे उसको। अरे बेटा है, कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा। बेटा हाँ, इसी बात का दुख है, समझे कि नहीं? राजकुमार भैया लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। भाई आपका बेटा तो टोपर है, आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसा बेटा मिला। अब उसे सैंडविच की दुकान तो लगवाएंगे नहीं, है ना? देखिएगा एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। तो तेरे को भी पीट देंगे, बता रहे हैं। भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये क्या लगा रखा है? बाहर तक आवाज आ रही, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे सुनते तो सुने, हमको क्या करना है भाई? अरे तुम्हारा बेटा तो पास हो गया, तुम तो खुश हो, एक साथ डबल प्रमोशन लिया है, और ये फेल हो गया, नालायक, इसको छोड़ेंगे नहीं आज। चप्पल भाई साहब, इस तरह मार पीट करने से थोड़ा वो पास हो जाएगा, किसी पढ़ाएगा ना उसको, अच्छे नंबर से पास होगा। भाई क्या कर रहे हो तुम? सुसाइड। पागल हो गए हो क्या? उठो, जल्दी उठो, आप पाऊजी घर में इंतजार कर रहे होंगे। चलो केशव तू जा ना, मुझे अब इस दुनिया से ही उठना है, मैं इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हूँ। तू स्मार्ट है यार, इंटेलिजेंट है, मैं ना तो इस दुनिया में रह सकता हूँ और ना ही जीते जी जिंदगी भर अपने बाप के चप्पल खा सकता हूँ। तुम सचिन तेंदुलकर और अंबानी से कम नहीं हो, तुमको पता है वो टैलेंट में हीरो और पढ़ाई में जीरो है, और अब वापिस से ऐसी बात करो तो सच में धक्का दे दूंगा। चलो देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। मुझे तो मेरी जिंदगी जरूरी नहीं लग रही। जरूरी है तुम्हारे माँ बाप के लिए, उन लोगों के लिए जो तुमसे प्यार करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और अगर तुम ही नहीं रहोगे तो उनकी तो सारी दुनिया उजड़ जाएगी। हाँ आप ठीक कह रही हैं। हेलो हेलो, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। हेलो हेलो पुलिस सर, सर इस नंबर से एक लड़के ने प्रयास सुसाइड हेल्पलाइन पे फोन किया, वहाँ के ऑफिसर जब उससे बात कर रहे थे तो लाइन बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, ना उसने नाम बताया पर ना ही लोकेशन। The number you have called is currently
फौरन इस नंबर की डिटेल्स निकलो और अर्जेंट बेसिस पर नेटवर्क कंपनी को फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करने के लिए बोलो। मुंबई के उपनगर मीरा रोड में एक लड़का केशव अपनी जान देना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया था कि इतनी छोटी सी उम्र में वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गया था। सर, कॉल ट्रैक होने में टाइम लग गया और कॉल ट्रैकर पैन करपाड़ा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखा रहा है। सर, ये लड़का तो 15-16 साल का लग रहा है, लेकिन सिम कार्ड तो किसी सुरेश यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है जिसकी उम्र 40 साल है, तो फिर ये हो सकता है वो नंबर इसके किसी जानने वाले के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, इसके पेट और पीठ पर कोई भी चोट का निशान नहीं है, लेकिन खून फिर भी है और इसके नाखूनों में भी खून है, बदन पे शर्ट भी नहीं। चलो ऊपर देखते हैं, तुम यहीं रखो। सर, उस लड़के ने अगर यहां से सुसाइड किया होगा तो दीवार पर हाथ और खून के निशान कैसे हैं? और सर, ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि सुसाइड करने से पहले उस लड़के के साथ में जरूर कुछ हुआ होगा, और हो सकता है कि उस लड़के के साथ में कोई और हो और उसी ने ही इस लड़के को धक्का दे दिया हो। आसपास अच्छे से सर्च करो, सब जगह देखो। सर, फोन की बैटरी डेड है, शायद इसी फोन से उसने हेल्पलाइन वाले नंबर पे कॉल किया होगा। सर, ये खून से भरी टी शर्ट मिली है। सर, उस लड़के ने सुसाइड हेल्पलाइन पर फोन किया था, लेकिन ये एविडेंस देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हादसे को एक अलग ही मोड़ दे रहे हैं। सुरेश यादव जिसके नाम पे ये सिम रजिस्टर्ड है उससे मिलना होगा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास के लोगों से पूछताछ करो। साहब, यहाँ 2 साल से काम बंद है, हम बगल वाले कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं और बस हम 11 बजे तक ही यहाँ आते हैं। सर ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। सर, मैंने आसपास लोगों से पूछताछ की, किसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा। सुनिए जी, ये लोग घर आए थे, केशव के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। आप में से सुरेश यादव कौन है? जी मैं हूँ सुरेश यादव साहब, बात क्या है? रात में केशव ने सुसाइड हेल्पलाइन पे कॉल किया था, जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें उसकी लाश मिली, लेकिन उसके शरीर पे खून था। क्या वो किसी तकलीफ में था या किसी से उसका झगड़ा हुआ था? साहब, जिंदगी से हमेशा 2 कदम आगे रहने वाला केशव जिंदगी से यार कैसे मान सकते हैं साहब? कोई तो वजह होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जब आप लोगों को केशव की बातों में कोई परेशानी दिखाई दी या किसी से कोई अनबन? अभी तो उसने सर क्लास में टॉप किया था। केशव यादव 98.2%। अरे वाह भाई, फिर से टॉप मारा तूने। हमको नहीं लगता कि उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी होगी। साथ में यह भाई, उसका बड़ा भाई पवन भाई साहब का बेटा, दोनों एक ही क्लास में थे। 2 साल पहले उसका डबल प्रमोशन हुआ था। अबे, पिछले कुछ दिनों में तुमने केशव के मूड में कुछ बदलाव देखा था या कॉलेज में किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, सर केशव ऐसा लड़का था ही नहीं कि जिससे कोई दुश्मनी कर सके, सबका दिल जीत लेता था वो। अच्छा, आखिरी बार कल रात को केशव को आपने कितने बजे देखा था? कल रात 9:30 बजे जब हम सब लोग खाना खा रहे थे। लो बेटा, ये गुलाब जामुन हम तुम्हारे लिए बनाए हैं गर्मा गर्म, खा लो। थैंक यू ताई जी। अच्छा, कल रात को केशव उस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों गया था? सर वो हमारा अड्डा है, हम अक्सर वहाँ जाया करते थे टाइम पास करने के लिए और मन की बातें शेयर करने के लिए। अबे, क्या केशव का कॉलेज में किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मनी थी या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड? नहीं सर, केशव की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। सर ये रही केशव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक केशव की मौत बिल्डिंग से नीचे गिरने पर हुई थी और बिल्डिंग की ऊंचाई करीबन 50 से 60 फुट रही होगी।
और मौत का टाइम है सुबह 3:30 से 4:30 के बीच। और बॉडी पर जो खून था उसकी रिपोर्ट आई? केशव की बॉडी पर कुछ स्ट्रगल मार्क्स हैं, लेकिन कई जगह बिना किसी घाव के भी खून था जो केशव का नहीं था। जो शर्ट पर खून लगा था, जो दीवार पर हाथ के निशान वाला खून था, वो केशव का नहीं था, लेकिन दीवार पर जो हाथ के निशान थे वो केशव के ही थे। गावड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जगह पर केशव की किसी से लड़ाई हुई हो और हाथापाई के दौरान उस शख्स ने केशव को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया? सर, ये भी तो हो सकता है कि उस हेल्पलाइन नंबर पर केशव को किसी ने जबरदस्ती कॉल कराया हो ताकि मर्डर को आसानी से सुसाइड का रूप दिया जा सके। केशव जी। पापा, ये तुमने नई किताब मंगाई थी ना, ये ले। थैंक यू पापा। सर, केशव के कॉल डिटेल से ये तो साफ है कि वो इतना ज्यादा किसी का टच में नहीं था, लेकिन उसकी फोन मेमोरी में कुछ अश्लील फोटोज और वीडियोस मिले। केशव के बारे में जितना जाना है, उनसे ऐसा लगता तो नहीं कि वो इन सब बातों में था? और सर, केशव के कॉल डिटेल्स के हिसाब से केशव रात को 1:30 बजे अपने घर से निकला था। हो सकता है वो किसी कॉल गर्ल से मिलने निकला हो, या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव के घर वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हो सकता है केशव के दोस्तों, उसके पड़ोसियों और उसके कॉलेज में पूछताछ करो, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। यस सर। केशव का किसी लड़की से चक्कर वगैरह? नहीं मैम, केशव किसी लड़की के चक्कर में पड़ता नहीं था। क्लास के कितनी लड़कियों का फेवरेट था, बट उसने कभी किसी को पलट कर नहीं देखा। नहीं सर, केशव तो बिल्कुल एफर्टलेसली पास हो जाता था। इनफैक्ट अभय ही था कि हर बार फेल होता था। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि दोनों एक साथ रहते थे, एक टॉपर और एक फेलियर। वैसे तो खुश रहता था वो, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे पहली बार बड़े अजीब से मूड में देखा था। केशव, क्या कर रहे हो? पागल हो गया क्या? अरे केशव, उस दिन ऐसा लगा था जैसे केशव और अभय के बीच में झगड़ा हुआ था, पर मैं श्योर नहीं हूँ। हमें केशव के मोबाइल में कुछ अश्लील फोटोज और वीडियो मिले, लेकिन तुमने तो कहा था कि केशव इन सब में नहीं है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अभय, क्या छुपा रहे हमसे? सर कुछ भी नहीं, मैंने कभी केशव का फोन चेक नहीं किया और हमारे बीच में ऐसी बातें भी नहीं होती थी। अच्छा ये बताओ, क्या इससे पहले केशव रात में घर से बाहर गया था? जहाँ तक मुझे मालूम है सर, नहीं। लेकिन उस रात को तो गया था, क्या तुमने नहीं देखा? सर उस दिन तो मैं 11:30 बजे ही सो गया था और केशव भी तभी सो गया था, उसके बाद वो कभी गया वो मुझे नहीं पता। अच्छा क्या तुम्हें कभी शक हुआ केशव पर कि वो किसी धंधे वाले से मिलने के लिए जा रहा? सर हम ये सब मामलों में कभी नहीं पड़ते। हमने तुम्हारे कुछ दोस्तों से पूछताछ की और उनका कहना है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी और केशव की लड़ाई हुई थी वॉशरूम में। नहीं सर, मुझे याद नहीं है और शायद हुआ भी होगा। सर केशव स्कॉलर जरूर था, मगर हाँ तो वो इंसान ही ना, और गुस्सा तो इंसान को ही आता है। सर, सर हमने केशव के बारे में पूछताछ की, सब लोग केशव के बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि अभय की जिंदगी में उथल पुथल मचा हुआ है। स्कूल में स्टूडेंट्स का कहना है कि अभय एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, जिसकी वजह से उसका बाप नाराज भी रहता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी जलन की वजह से अभय ने केशव को रास्ते से हटा दिया? जितना वो अपनापन दिखा रहा है, हो सकता है उसमें कुछ छुपा रहा हो। 20 जुलाई रात 1 बजे से लेके केशव की मौत तक की डिटेल्स मिली क्या? जी सर, अभय उस रात को घर पर ही था, लेकिन केशव रात को 1:30 बजे घर से निकला था। जिस जगह वो गया वो सृष्टि कॉम्प्लेक्स के आसपास की है, और फिर वहाँ से पेनकर पाड़ा की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर गया जो कि सृष्टि कॉम्प्लेक्स से 10 मिनट की दूरी पर है। अगर केशव जानबूझकर इतनी रात को सृष्टि कॉम्प्लेक्स गया था तो जरूर किसी से मिला होगा। सर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि केशव जिससे मिलने के लिए गया हो वही उसका हत्यारा हो? लेकिन खून की क्या वजह हो सकती है? हो सकता है वजह केशव ना हो, वो सिर्फ निशाना बना। मतलब ये कि दुश्मनी केशव के पिता या उसकी फैमिली से हो और शिकार बना केशव। हो सकता है कि उसने सुसाइड ना किया हो बल्कि उसका मर्डर हुआ हो। देवर जी कुछ खा लीजिए, कल से एक दाना भी नहीं खाए हैं। सुनिए अजी, सुनिए देवर जी से बात कीजिए ना, 2 दिन हो गए ना कुछ खाए हैं ना कुछ बात की है। एक बात बताओ, ये केशव के जाने से पूरी दुनिया खत्म हो गई है क्या?
इतनी समझ नहीं है उनको। और दुकान जाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या, और अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। देखो हटो बाजू जाने दो हमको, चलो। क्या तुम लोग भी सब पता नहीं क्या कर रहे। पुलिस ने इस केस के एक एक पहलू को पलटना शुरू किया। केशव की मौत की जगह और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को बारीकी से टटोलना शुरू किया। केशव के मोहल्ले और आसपास के इलाकों में केशव से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। सर, सर मैंने केशव और उसकी फैमिली के बारे में पूछताछ की और पूछताछ के दौरान एक बात पता चली है। सुरेश से किसी बाहर वाले से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि अपने भाई पवन से पिछले 5-6 महीनों से छोटी मोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी। जिस दिन केशव की मौत हुई थी उस दिन भी पवन दुकान पर लेट आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब में पवन का हाथ हो? अपने छोटे भाई सुरेश से अनबन रहती थी, अपने बेटे अभय से परेशान था, और इस सब की वजह कहीं ना कहीं केशव था, और इसीलिए इस खटास की वजह केशव बना है। कैसी लड़ाई सर? देखिए सब, किसी ने आपको गुमराह किया है। शायद इस वक्त तुम हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। हमारी खबर बिल्कुल पक्की है। अब तुम बताओगे माजरा क्या है? सब लड़ाई हुई थी, लेकिन वो पैसों को लेकर लड़ाई हुई। मैं बस अपने बेटे के लिए कुछ पैसे तो अलग कर रहा हूँ। वो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कोचिंग करना चाहता है। अब उसे क्या मैं आलू प्याज छिलवा? सुरेश, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा बेटा क्या करेगा और क्या नहीं? अरे हमारा बेटे का भविष्य खराब, और तुम्हारा बेटा चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था क्या? दुनिया को पता है कि केशव की बराबरी अभय नहीं कर सकता, समझा? सर, सुरेश मेरा छोटा भाई है, ये दुकान भी उसी की है, इसी दुकान से हमारा घर चलता है। जिस तरह सुरेश के मन में अपने बेटे केशव को लेकर सपने हैं, उसी तरह मेरे मन में मेरे बेटे अभय को लेकर सपने हैं। लेकिन सुरेश केशव की पढ़ाई के लिए यहाँ के सारे पैसे साइड में कर लेता। 20 जुलाई की सुबह 1-4 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? घर पे था, नहीं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था मैं, वो शांति गार्डन के पास में बाहर है ना, वहाँ पे। शांति गार्डन और सृष्टि कॉम्प्लेक्स दोनों एक ही लोकेलिटी में है, और इन दोनों एरियाज का सेलफोन टावर भी सेम ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन उस रात बार में ना गया हो? हो सकता है पवन का इरादा कुछ और ही हो। एक काम करो गाबड़े, पता करो कि पवन उस रात बार में गया था या नहीं, और अगर गया था तो कितने टाइम तक होगा। यस सर। पवन, सच क्या है? हमने बार में पूछताछ की, तुम वहां नहीं गए थे, और कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस रोज तुम्हारी किसी से बातचीत हुई थी। सर सच बता दो, इतनी रात को कहां गए थे और क्या कर रहे थे? सर, दरअसल हमने आपसे झूठ बोला। हम चाहते थे कि हमारा बेटा अभय अपने कंपार्टमेंट के रिटेस्ट में फेल होने से बच जाए, इसलिए हम उसके टीचर के पास गए थे मिन्नत समाजत करने के लिए कि कुछ भी ले दे के कैसे भी हमारे बेटे को पास कर दे, और वो माना नहीं। और हमको बाहर किसी से पता चला कि एक आदमी है जो पैसे लेकर पेपर लीक करा के बच्चों को पास करा देता है, उसी से बात किए थे, पर वहाँ भी पैसों पर बात बनी नहीं। आप चाहें तो उसका नंबर है हमारे पास में, आप उससे बात कर लीजिए और टीचर से भी बात कर लीजिए। कावड़े चेक करो। हाँ सर, ये बात तो सच है कि पवन जी रात दिन मेरे पीछे लगे थे अभय को एग्जाम में पास कराने के लिए, लेकिन उनकी बहुत मिन्नतों के बाद मुझे उन्हें उस आदमी का नंबर देना ही पड़ा, लेकिन शायद उनकी बात कुछ बनी नहीं। सर एक बात और, करीबन 1-1.5 महीने पहले केशव ने कुछ ऐसा किया था जिससे मैं चौंक गया था। केशव? लेकिन सर उसमें मैं श्योर नहीं था, इसीलिए उस वक्त इस बात का जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया। थैंक यू सर। केशव जैसे स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चुराने की क्या जरूरत पड़ी होगी, वो तो पढ़ाई में बहुत ही होनहार है। हो सकता है गाबड़े कि ये क्वेश्चन पेपर उसने अपने लिए नहीं बल्कि अभय के लिए चुराए। ये भी हो सकता है कि शायद उसे अपना कोई शौक पूरा करना हो जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत हो, और क्वेश्चन पेपर भेज कर शौक पूरे किए जा सकते हैं। साहब मेरा बेटा गलत काम कर ही नहीं सकता, वो क्लास में टॉपर था, वो क्यों पेपर चोरी करेगा? वैसे तो ऐसा बहुत कुछ था जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपकी जानकारी के बिना वो कर ही रहा था। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि उसके मोबाइल में से हमको कैसे वीडियो और फोटोग्राफ मिले। साहब उससे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं, ये सब अभय का किया हुआ है, इसने मेरे बेटे को बिगाड़ा है। पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ तेरी वजह से क्या क्या लांछन लग रहा, देख रहा तू? बाबा हर बार की तरह मुझे बलि का बकरा बनाना बंद करो, ये सब मेरे कान नहीं थे, केशव के कान थे, और जो कुछ भी हो रहा था वो सब चाचा जी की वजह से हो रहा था।
केशव अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था। 15 साल की उम्र में 15 किलो का बोझ पीठ पे देकर 18 साल के लड़कों के बीच में बिठा दिया गया उसे। उसके सपने थे कुछ, लेकिन चाचा जी को ये सब पसंद नहीं था ना। बेटा, पूरी जिंदगी सड़क किनारे बस यही सुनते हुए गुजार दी कि सुरेश एक टोस्ट सैंडविच देना। मैं भी कुछ जीवन में बनना चाहता था पर नहीं बन पाया। पर बेटा, तू मेरी शान है। मैं दुनिया को फक्र के साथ कह सकता हूँ कि तू टॉपर है। लेकिन ये जो स्कूल के बाद तू लड़के लड़कियों से मिलता है ना, ये बंद कर दे। यही टाइम तू पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है जी? बाहर से सिर्फ दो वर्ड बोलता था वो, जी पापा, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी बन चुका था वो। हर बार सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अंदर का फ्रस्ट्रेशन दबाने में मुश्किल हो रही थी उसको। और इसी वजह से उस दिन वो कॉलेज में इतना गुस्सा हो गया कि वॉशरूम की दीवार पे अपना हाथ दे मारा उसने। आज हम क्वालिटी एजुकेशन से ज्यादा क्वांटिटी एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, पर क्या सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना ही जिंदगी में लायक होने का मापदंड है? केशव की मौत की गुत्थी अब भी अनसुलझी थी। शक की सुई धीरे धीरे इस कहानी के हर किरदार की तरफ घूम रही थी, लेकिन सवाल अब भी यही था कि केशव की मौत कैसे हुई और उसकी मौत की असली वजह क्या थी। आसपास अच्छे से सर्च करो। सर, बॉडी को देखकर तो ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन पुरानी होगी, और इसके घाव देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसके चेस्ट के ऊपर हमला किया होगा। इसकी पॉकेट चेक करो। सर, फोन स्विच ऑफ है। सर, इस आदमी का नाम गौतम आप्टे है और एड्रेस शोलापुर का है। सर, सर ये बाइक देखिए। सर ये देखिए, किसी ने इसका हैंडल लॉक तोड़कर चोरी करने की कोशिश की है। ये पर्स मिला सर। सर, ये तो अभय का है। अभय कहाँ? उसे फौरन बुलाइए, हमें उसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभय तो घर पर नहीं है, कब का बाहर चला गया बगैर किसी को बताए। बात क्या है साहब? आप लोगों ने उसे फोन नहीं किया? उसका फोन छीन कर तुम तो अपने पास रख लिए थे। वो इधर है, ये देखिए, ये फोन है उसका। आपने ये फोन उससे कब लिया? 19 तारीख की रात को, उसके सोने से पहले। अरे, दिन रात फोन में लगा रहता है और पढ़ाई में फेल होता रहता है, इसलिए छीन कर हम अपने पास रख लिए थे। तो सर, इसी वजह से उस रात को इस फोन का लोकेशन यहाँ का बता रहा था। बात का है, अभय ने कहा किया है, मतलब आप उसको ढूंढ क्यों रहे? अभी अभी हमें एक लाश मिली जिसकी कुछ ही दूरी पर अभय का ये वॉलेट और आईडी कार्ड मिला। हमें शक है कि यह खून उसी दिन हुआ जिस दिन केशव की मौत हुई। खून? नहीं साहब, मेरा बेटा मस्ती कर सकता है। हाँ, वो नंबर कम लाता है, लेकिन किसी को मार नहीं सकता साहब। ये बटुआ जरूर केशव लेके गया होगा। ऐसे कैसे इल्जाम लगा दी भाभी आप केशव पे? देखिए, इस घर के दोनों लड़के इस केस में इन्वॉल्व हैं। किसने क्या किया है उसका पता हम लगा लेंगे। फिलहाल हमें उनके कमरे की एक बार फिर से तलाशी लेनी है। यस सर। सर, अभय के बैग से अबॉर्शन पिल्स मिले। ये गोलियां अभय के बैग में क्या कर रही है? सर, क्या अभय का किसी लड़की के साथ में चक्कर हो सकता है जिससे उसने प्रेग्नेंट कर दिया हो? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इन सबका केशव की मौत से क्या लेना देना हो सकता है? कावड़े, अभय के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स चेक करो। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी तो उसका नंबर अभय के कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर होगा, और इस अभय की तलाश तेज करो। यस सर। तेरे भगोड़े बेटे के पूरे साई की वजह से मेरे बेटे की जान गई है। अपने घेरे बांध में छाक के देख,
मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बोलने से पहले अरे क्या क्या कांड करता है अरे घर के एक बेटे को तो हम पहले ही खो चुके हैं और अब हमें भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे गलती उन दोनों की नहीं है, गलती हमारी परवरिश की है। सर सर ये गौतम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गौतम के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई और उसकी मौत 20 जुलाई को रात को 1 से 2 बजे के बीच हुई है। गौतम और केशव की मौत के बीच में मुश्किल से 2 से 3 घंटों का फर्क है। ये महज एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जरूर कुछ ऐसा है जो अब भी हमारी आंखों के आगे आना बाकी है। सर मैंने गौतम की फैमिली से कॉन्टेक्ट किया था, वो लोग शोलापुर में रहते हैं। उनका कहना है कि पिछले हफ्ते ही गौतम घर आया था, लेकिन सर गौतम की फैमिली अभय और केशव किसी को नहीं पहचानते। लेकिन सर एक बात है, केशव की शर्ट पर और कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार पर जो ब्लड हमें मिला था वो गौतम के ब्लड से मैच करते हैं। ये दवा तुम्हारे यहाँ की है? हाँ सर, ये दवा तो हमारे यहाँ की है। तुम्हें कुछ याद है ये दवा तुमने किसको बेची थी? ये तस्वीर देखो, शायद तुम्हें याद आ जाए। इन दोनों में से कोई नहीं आया था, पर एक आदमी आया था साइकिल से। स्केच बनवा सकते उसका? हाँ सर। इसका मतलब साफ है कि गौतम की मौत से अभय और केशव का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन ये पिल्स वाला चक्कर समझ में नहीं आ रहा। कहीं इस एंगल में किसी लड़की का ट्राइंगल तो नहीं? सर ये भी तो हो सकता है कि अभय का किसी लड़की के साथ में चक्कर हो और गौतम ने उस लड़की के साथ में गलत किया और वो प्रेग्नेंट हो गई हो और अभय ने गुस्से में आकर गौतम का खून कर दिया हो। गावड़े, हमें इस केस के हर एंगल को खंगालना हो। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, पता चल गया कि वो अबॉर्शन पिल्स किसने खरीदी थी। तुमने केशव को अबॉर्शन पिल्स लेके दी थी, अब बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं। हाँ साहब, मैंने उसे दवा ला के दी थी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था उस बात को दबाने के लिए। ले लीजिए भाई साहब। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई पापा। मेरी वजह से एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। चल इधर आ, चल। क्या किया तुमने? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी पापा। हम लोग दिन रात मेहनत करके दो वक्त का खाना जुटाने वाले लोग हैं। सोचा केशव का भविष्य खराब ना, इसलिए हमने एबॉर्शन की गोली उसको ला के दी। जाके उस लड़की को खिला दे और मामला यहीं दफन कर दे। मैं नहीं जानना चाहता कि वो कौन थी और ये सब क्यों हुआ। मैं नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ। हम तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे कर ले? हो सकता है तुमने केशव को मारा, क्योंकि उसने तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर जो कर दिए थे। ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा? मैं तो चाह रहा था कि उसका भविष्य ना खराब हो, इसीलिए मैं उसे इस मुसीबत से बचाना चाह रहा था। गावड़े, ये लड़की आखिर हो कौन सकती है जो अभय और केशव दोनों से कनेक्टेड थी? गौतम की मौत से इसका क्या लेना देना हो सकता है? और इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन है भी या नहीं? सर केशव के रिकॉर्ड में तो किसी लड़की की परछाई भी नहीं दिखती। सर मैंने अभय के लास्ट 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक किए हैं। उसमें एक नंबर ऐसा है जिससे पहले 2 महीने में अभय की लगातार बातचीत होती रही, लेकिन फिर अचानक से बंद हो गई। लेकिन सर 18 जुलाई से फिर से उस नंबर पे अभय की बातचीत शुरू हो गई। सर इस बात पर हमारा पहले ध्यान नहीं गया था, क्योंकि अभय पर हमारा शक नहीं था। सर मैंने नंबर की जानकारी निकाली है, ये नंबर किसी मधुकर अवस्थी के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका एड्रेस मीरा गांव है। ये लड़की कहीं वही तो नहीं जिसका केशव के साथ चक्कर था? सर इस सवाल का जवाब तो अभय दे सकता है, लेकिन पता नहीं वो इस वक्त है कहाँ। अभय के घर वालों पर नजर रखो, वो अपने घर वालों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। यस सर। तब तक ये जो लड़की है इससे मिल लेते हैं। यस सर। केशव की गर्लफ्रेंड वाले एंगल ने अब इस केस को एक नया मोड़ दे दिया था। अभय अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर था। आखिर गौतम की हत्या क्यों हुई और उसका केशव, अभय और उस लड़की से क्या लेना देना था? क्या अभय ने ही गौतम को जान से मारा था, जिसके बाद वो डर के मारे छुपता फिर रहा था? केशव की मौत की पहेली को सुलझाने में पुलिस पूरी जी जान से लगी हुई थी। जी सर। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? प्रशांत जूनियर कॉलेज। सर इसी कॉलेज में तो अभी भी पढ़ता है। लेकिन क्या हुआ सर? आप लोगों से कुछ बात करनी। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी का ना किसी से अफेयर है, ना तो वो प्रेग्नेंट है। रश्मि सच क्या? सर वो केशव और अभय दोनों मेरे क्लासमेट सर। केशव हमारी क्लास का टॉपर था सर। उसकी मौत का सुनकर बुरा लगा सर, लेकिन मेरी केशव से कभी कोई बात नहीं हुई है। और अभय?
अबे से तो तुम्हारी बहुत बात हुआ करती थी। अबे मेरा दोस्त है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इसे पहचानती हो? नो सर। और आप? नहीं सर। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रश्मि झूठ बोल रही है। फौरन रश्मि के मेडिकल टेस्ट के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेकर तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या जरूरत थी तुझे दोस्ती करने की? आज तेरी वजह से पुलिस हमारे घर तक आ गई और लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। तुझे मालूम है अगर ये शादी हो जाती तो मेरा सारा कर्जा माफ हुआ होता। अब आप यहाँ किस लिए आए हैं? आपकी बेटी रश्मि को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने आए। ये रहे कोर्ट के पेपर्स। ये किस बात के लिए टेस्ट है? हम रश्मि का ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी कराएंगे। अगर इसने 72 घंटे पहले अबॉर्शन की पिल्स खाई हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेग्नेंट थी। नेहा, अरे अरे रुकिए, लेकिन अरे सर, सर ये रहे रश्मि के टेस्ट रिजल्ट। सर रिजल्ट में तो वो क्लीन निकली, ना तो कभी रश्मि प्रेग्नेंट थी और ना ही उसका अबॉर्शन हुआ था। यानी रश्मि सच बोल रही थी। सर अगर रश्मि प्रेग्नेंट नहीं थी तो फिर वो अबॉर्शन पिल्स किसके लिए थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश जिस लड़की के बारे में हमें बता रहा था वो कोई और ही हो? आपको मेरे बैग से जो अबॉर्शन के पिल्स मिले थे वो मेरी नहीं थी सर, वो केशव की थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ली थी सर, और उस दिन वो मेरा बैग लेकर चला गया था, इसलिए वो बॉटल मेरे बैग में ही रह गई। गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? रश्मि। कब से जानता था केशव रश्मि को? सर कुछ 2-2.5 महीनों से। सर वो दोनों मेरे ही फोन से बात किया करते थे, क्योंकि सर चाचा जी केशव के मोबाइल का बिल भरते थे और केशव भी चाहता था कि उन्हें शक हो। सब दोनों हमारे अड्डे पर ही मिला करते थे और सब दोनों वहीं पर। भाई बोलना, ट्रू लव करता हूँ, फिजिकल होना गलत है भाई, अपना दिमाग चलाना, कुछ तो बोल। मैंने ना जोश जोश में सब कुछ कर डाला। 2-2.5 महीनों तक वो लगातार मिलते रहे सर। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले रश्मि का फोन आना बंद हो गया। तभी केशव बहुत परेशान रहने लगा था सर, क्योंकि रश्मि कॉलेज भी नहीं आती थी। मुझे अचानक से रश्मि का फोन आया। हेलो सर, फोन पर वो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। केशव? हाँ भाई। रश्मि का फोन है। हेलो। फिर जब केशव रश्मि से बात करने लगा तभी केशव भी अचानक से घबरा गया और तुरंत वहां से चला गया, ये बोलकर कि वो हॉस्पिटल जा रहा है। फिर से कुछ घंटों बाद जब केशव वापस घर लौटा तभी वो काफी घबराया हुआ था। क्या हुआ केशव? भाई सब कुछ खत्म हो गया। हुआ क्या वो तो बता। रश्मि प्रेग्नेंट है। केशव ने बोला कि वो इस बारे में चाचा जी को नहीं बता सकता है। चाचा जी ने उसे पहले से ही कुछ पिल्स दे रखे थे और अगर वो चाचा जी को अबॉर्शन के बारे में फिर से बताता तो चाचा जी बहुत गुस्सा करते सर। तो तुम लोगों ने सोचा कि बाइक चोरी करके बेचोगे और उसी से पैसों का इंतजाम करोगे? हाँ सर, लेकिन एंड टाइम पर सब कुछ बिगड़ गया। देखिए एरिया में ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड, फटाफट से बाइक चोरी कर तो निकलते हम लोग। ए, क्या कर रहे तुम लोग? भाई चोरी कर रहे हो? नहीं। क्या कर रहे हो? हाँ क्या करते हो? क्या करते हो? अंकल 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 बात कर रही है। अंकल क्या बात कर रही है? केशव केशव पागल, ये क्या कर दिया तूने? ये तो भाई सर, केशव घबरा कर वहां से भाग गया। मैं श्योर था कि वो हमारे अड्डे पर ही गया होगा, लेकिन सर मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि मैं अभी क्या करूं। तो मैंने उस
आदमी की लाश को कूड़े में छिपा दी और उसकी बाइक तो वहीं पर पीछे फेंक दी। स्क्रू ड्राइवर को कहाँ छुपाया तुमने? रास्ते में एक नाले में मैंने स्क्रू ड्राइवर फेंक दिया था, फिर वहां से मैं घर चला गया, पीछे के दरवाजे से अंदर जाकर चुपचाप से सोने का नाटक करने लगा। क्या गुजरी होगी केशव पर, कितना होनहार स्टूडेंट था और एक जरा सी गलती से उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्या कर दिया मैंने, पहले रश्मि की प्रेगनेंसी, उस आदमी का खून मुझे देना चाहिए। बाबा मुझे मार देंगे, बाबा मुझे छांक से मार देंगे। केशव सुसाइड करने वालों में से नहीं था, बल्कि एक बार उसने ही मुझे सुसाइड करने से बचाया था। सर टेस्ट के हिसाब से तो रश्मि प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन अभय के हिसाब से रश्मि प्रेग्नेंट हुई थी। ये माजरा गले से नीचे नहीं उतर रहा। अगर रश्मि प्रेग्नेंट नहीं थी तो उसने केशव को झूठ क्यों बोला, और केशव को 30,000 रुपए क्यों चाहिए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रश्मि झूठ बोलकर केशव से पैसे निकलवाना चाहती थी? सर मैंने केशव से दोस्ती एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इस बार भी मैं मैथ्स में फेल हो गई तो पापा मेरी शादी करा देंगे। इसलिए मैंने केशव से दोस्ती की और मैंने उससे पढ़ाई में मदद भी मांगी सर, लेकिन एग्जाम्स में टाइम इतना कम बचा था कि मेरे और कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैंने केशव से कहा कि वो स्टाफ रूम से जाकर मेरे लिए पेपर्स चोरी करके लाए। वो क्लास का मॉनिटर था, इसलिए उसके लिए बहुत इजी था स्टाफ रूम से पेपर्स चोरी करके लाना, लेकिन मेरे लाख रिक्वेस्ट करने पर भी वो नहीं माना। तब सर मैंने उसे फिजिकल होने के लिए उकसाया, क्योंकि मुझे लगा कि वो इस तरह मेरी मदद जरूर करेगा। उसने स्टाफ रूम से मैक्स के क्वेश्चन पेपर चुरा कर मुझे दिए। उसके बाद हम दोनों 2 बार फिजिकल हुए, लेकिन मेरा काम निकल चुका था, सो मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था इस बार एग्जाम्स में मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आने वाले थे। लेकिन इस महीने मेरे पीरियड्स नहीं आए थे, मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घबरा कर मैंने 18th को केशव को कॉल किया था और वो मुझसे मिलने मेरे घर के बाहर आया था। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? देखो केशव, अगर ये बात मेरे पापा को पता चली तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। केशव प्लीज कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तुम प्लीज कोई मेडिसिन ले लो ना। मैं इस प्रॉब्लम में तुम्हारे चक्कर में फंसी हूँ और तुम ये पीछा छुड़ा रहे हो, और अगर एक बात सामने आई तो फिर सारी बातें सामने आ जाएगी, सबको पता लग जाएगा कि पेपर्स तुमने लीक किए थे, और फिर तुम्हारी इमेज कुछ नहीं रहने वाली। मैं कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ। तुमने इस बारे में अपनी माँ से डिस्कस क्यों नहीं किया? मैं अपनी मम्मी से ऐसी बातें शेयर नहीं करती, कैसे बताती इन्हें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। केशव ने जो एबॉर्शन के लिए पिल्स लाके दी थी वो तुमने खाई? जी सर, पर उसके बाद मुझे बहुत ब्लीडिंग होने लगी, मेरी हालत खराब होने लगी थी, मेरे पेट में इतना दर्द होने लगा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर मैंने केशव को कॉल करके बुलाया, हम दोनों हॉस्पिटल गए। वहाँ के कंपाउंडर ने हमें और भी ज़्यादा डरा दिया था, वो कहने लगा कि 30,000 रुपये लगेंगे, प्रॉपर अबॉर्शन कर देगा, और उसने ये भी बोला कि ये सब कुछ चुपचाप करना होगा, अगर किसी को भी पता चला तो केशव के ऊपर रेप केस लग सकता है। इस कंपाउंडर को उठा के लाओ। यस सर। मारो मत, बताता था सब कुछ बताता। साहब वो बच्चे बहुत डरे हुए थे, मुझे लगा पैसे कमाने का अच्छा मौका है, और साहब उस लड़के को खून भी आ रहा था, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट तो थी नहीं। मैंने उन लोगों को उल्लू बनाया और 30,000 रुपये मांगे, पर वो लोग वापस नहीं आए। साहब मैं सुसाइड नहीं करना चाहता, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने।
तुम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और अगर तुम ही नहीं रहोगे तो उनकी तो सारी दुनिया उजड़ जाएगी। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। सर, क्या केशव ने ऑटोमोबाइल सुसाइड किया होगा? गावड़े, मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि इस केस से जरूर कुछ मिसिंग है। एक मिनट के लिए अज्यूम करो कि केशव ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसको मारा गया, क्योंकि इस हेल्पलाइन वाली की बातों से केशव कन्विंस लग रहा था। तो फिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने केशव की हत्या की? सर, रश्मि उस रात को अपने घर पर ही थी। केशव के फैमिली के सभी लोग भी सुसाइड के टाइम पर घर पर ही थे, तो फिर केशव को मारने कौन जा सकता है? गावड़े, शायद मुझे पता चल गया है कि केशव की हत्या किसने की। अबे, उस रात गौतम का खून करके तुम अपने घर गए थे ना? जी सर। तो वो कपड़े कहाँ हैं जिस पर गौतम का मर्डर करने के बाद खून के निशान पड़ गए हो? और जब तुम घर गए तो घर पे कौन कौन मौजूद था? सर, सच बता दो, अगर हमने उगलवाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम भला उसे क्यों मारेंगे? अभय ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम भी साफ साफ बता दो। बोलो, मतलब तुम ऐसे नहीं बोलो। नहीं 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 साहब, बताती हूँ साहब, बताती हूँ साहब। केशव चुप हो जाओ। अभय ने मुझे सब कुछ बता दिया, वो घर पर ही है। मुझे लगता है मुझे पुलिस के पास ले जाना चाहिए। तू पागल हो गया है? अरे तू पुलिस के पास जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। अरे तू अभय के बारे में तो सोच, अभय भी तेरे चक्कर में फंसेगा, तेरे साथ वो भी जेल जाएगा, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि तूने उस लड़की के साथ, और तेरे पापा की तो सोच, अरे सीना चौड़ा करके चलते हैं वो तो जीते जी मर जाएंगे। देख केशव, बस दो रास्ते हैं तेरे पास, या तो तू पुलिस के पास जा और अपने पापा और पूरे परिवार को खत्म कर दे, या फिर तू यहाँ से कूद के अपनी जान दे दे और हम सबको बचा ले। तू यहाँ से कूद जा केशव, ये राज राज ही रहेगा, और तेरे पापा, ताऊ जी, अभय, हम सब बच जाएंगे केशव। तू कूद जा यहाँ से केशव, तू नहीं रहेगा तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तेरे पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और सब लोग उन्हें खूनी का बाप कहकर बुलाएंगे। तू कूद जा केशव, कूद जा यहाँ से। मैं स्वार्थी हो गई थी साहब, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा इन सब चक्करों में पड़ के जेल जाए। मैं तो केशव को मारना भी नहीं चाहती थी साहब, क्योंकि वो मेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ, ये सब मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख कर किया साहब। जब सुरेश अपने बेटे के लिए इतना सोच सकता है तो मैं तो एक माँ हूँ। माँ तो निस्वार्थ होती है, जब स्वार्थी हो जाती है ना तो सबसे पहले खुद का नुकसान करती है, इसकी जीती जागती मिसाल तुम हो। जब रिश्तों में स्वार्थ हावी हो जाए तो अंजाम बुरा ही होता है। निरुपा ने अपने बेटे को बचाने के स्वार्थ में केशव की बलि चढ़ा दी। रश्मि भी केशव की मौत के लिए कम जिम्मेदार नहीं है, उसने केशव का इस्तेमाल करते हुए इस जुर्म की कहानी का बीज बो दिया। सुरेश ने कभी अपने बेटे केशव के मन की बात समझी ही नहीं, उसे आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, बस इसी में उलझा दिया, और नतीजा ये हुआ कि केशव ने इस भंवर से उभरने के लिए मौत को ही गले लगा लिया। एक गलती को सुधारने के चक्कर में केशव और अभय एक और गलती कर बैठे, और उनके हाथों कत्ल जैसा संगीन जुर्म हो गया। निरुपा और सुरेश अपनी परवरिश के गुमान में ही रहे, उन्होंने अपने बच्चों के साथ कभी ऐसे संबंध ही नहीं बनाए कि वो खुलकर अपनी बात उनसे कह सके। याद रखिए, बेहतरीन परवरिश वो है जहां आप अपने बच्चों की क्षमता को देखते हुए उन्हें अपना पूरा सहयोग देते हैं। आपका प्यार, आपका सहयोग उन्हें विचलित नहीं होने देगा, हताश नहीं होने देगा, उन्हें सही रास्ते से भटकने नहीं देगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक 1 को सीख हम सबको।
जय हिंद। क्राइम पेट्रोल 2.0 7 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।